वेलकम टू एचएम क्लासेस। एचएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। मल्टीपल सब्जेक्ट वैकेंसीज है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, पीएचडी इज़ नॉट मैंडेटरी एंड सैलरी एज पर यूजीसी नॉर्म्स। और जो दूसरी रिक्रूटमेंट कवर कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रिक्रूटिंग टीचिंग एसोसिएट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंप्लीट डिटेल देखेंगे। मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट में भी डायरेक्ट सिलेक्शन है, पीएचडी अनिवार्य भी नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स सेलेक्ट के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम जो असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसको हम देख लेंगे। इसमें सब्जेक्ट जो है वो देख लेते हैं हम। इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज देख सकते हैं आप। और अनरिजर्व एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस सबकी सीटें अलग दे रखी है। इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है, पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर की है, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, सोशोलॉजी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में ड्राइंग एंड पेंटिंग, विजुअल आर्ट एंड एनिमेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की इसमें वैकेंसी निकल कर आ रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होम साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज है। इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस में मैथमेटिक्स है, इंक्लूडिंग ऑपरेशनल रिसर्च एंड स्टैटिक्स है, इसमें भी आपको जो वैकेंसीज है वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर की वैकेंसीज है। उसके बाद जो वैकेंसी है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी की है, कंप्यूटर साइंस है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर की वैकेंसीज है। ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंडर जो यूनिवर्सिटी है उसमें से ये वैकेंसी आई हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वैकेंसी है महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी की है, ये भरतपुर में है और इसमें ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन इज 15/6/2023, 15 जून तक इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें बताया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज़ बीन इन्फॉर्म अबाउट द फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन ऑल सब्जेक्ट। प्रोफेसर पोस्ट इन 4 and 5 मे बी फिल्ड विद एनी ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये लगभग आप वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे बहुत जल्दी, और जो लास्ट डेट इसकी 15 जून तक है। इसके लिए आपको इसकी मेन वेबसाइट पर विज़िट करना है और मेन वेबसाइट पर जाकर उसके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है। और अभी हमने चेक किया, अभी तक मेन वेबसाइट पर ये अपडेट नहीं हुई है क्योंकि ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो 15 जून इसकी लास्ट डेट है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, जैसे कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से, यूजीसी नॉर्म्स के, तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद आपका नेट होना चाहिए या राजस्थान का सेट होगा या पीएचडी। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिना पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम असिस्टेंट से एसोसिएट की बात करें तो उसमें 8 ईयर्स एक्सपीरियंस आप ऐड कर लीजिए और प्रोफेसर के लिए आप 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस ऐड कर लीजिए, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट के हिसाब से जो उसकी एज है वो 40 ईयर्स तक है, और उसके बाद गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब जो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, वो 40 साल के अलावा आप कर सकते हैं। अगर इसकी फ़ीस अभी इसमें नहीं दी हुई है, फ़ीस का बाकी जैसे ही क्लियर होता है तो आप इसमें देख सकते हैं। इसके लिए आपको इस महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है और वहाँ जाके बाकी की डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी ये वैकेंसी आई हुई है।
उसके बाद जो सेकंड वैकेंसी हम कवर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में टीचिंग एसोसिएट्स की पोस्ट आई है, और जो पोस्ट है वो उसके सब्जेक्ट हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियर, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, लॉ, मैनेजमेंट, योगा और जूलॉजी। ये जो वैकेंसी जैसे मैंने आपको बताया ये गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा से है, ये टीचिंग एसोसिएट की पोस्ट है, और जो कि संविदा भर्ती 2023 यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 2022 है उसके अनुसार इसमें ये भर्ती होने जा रही है। ये 5 साल के लिए अभी भर्ती की जाएगी, और इसमें अप्लाई करने की जो डेट है वो 28 अप्रैल से लेकर 27 आपके मई तक है, 27 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, और ये फीस दी भी है, जनरल वालों के लिए 350 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 250 है, एससी एसटी वालों के लिए 150 है, और जो 2.5 लाख से कम है कोई भी कैटेगरी हो उनके लिए 150 है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसमें भी कंसर्न सब्जेक्ट में आपका नेट होना चाहिए या सेट होना चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए, और तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी एज 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इसमें आपके लिए 5 साल की जॉब है, उसके बाद इसको एक्सटेंड कर लिया जाएगा गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। चयन की प्रक्रिया में यही है कि एक सीट पर 10 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और संविदा कर्मी के रूप में ये भी सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एलिजिबिलिटी की हम बात कर चुके हैं, इसमें एलिजिबिलिटी में एक और कंडीशन इसमें जुड़ी है कि अनुभव भी मांगा गया है। लिखा कॉलम 7 के अनुसार विश्वविद्यालय महाविद्यालय में न्यूनतम 1 वर्ष का शैक्षणिक शाखा कार्य अनुभव अनिवार्य है। ये लिखा हुआ इसमें पूर्ण संविदा आधार पर है, 30,350 रुपये प्रतिमा मिलेंगे। ये इसके रूल्स दिए हुए, अगर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ही उस सब्जेक्ट में वो टेस्ट करवाएंगे। उस टेस्ट का भी फॉर्मूला दिया हुआ है कि प्रथम पेपर में 150 पूर्णांक का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, द्वितीय में 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स होगा, 3 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा, और जो जो आपका न्यूनतम अर्हता जो है वो UGC नेट के अनुसार ही होनी चाहिए उसमें भी। और ये पूरा दे रखा है इसमें कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा नहीं हुए तो इसमें जो रिक्रूटमेंट होगी वो उसका जो मेथड होगा वो ये रहेगा, ग्रेजुएशन में 20%, पोस्ट ग्रेजुएशन में 40%, 11 PhD 10-10, नेट 8, सेट 5, और 10 मार्क्स से अनुभव का, शोध पत्र का और साक्षात्कार का। और इससे रिलेटेड और भी जानकारी लेनी है और आपको अप्लाई करनी है तो इसकी मेन वेबसाइट पर आ सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, उसके रिक्रूटमेंट वाले पोर्शन में आपको इस तरीके से इसके अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे सारे